बताई भैया देवा सोहरे नहीं जाओ किसने प्रधान सोहरे चिलाए कौन को सुबह राज सोहरे से डरते हैं। माँ देवला बोल गई बेटा उदल देवा किला ये कावन में भ्रमण किया भादव जलमठरी का रोज रात्रि 12 बजे की रात्रि में सोहरी से निकाला कर दिया। एक धर्म का पहन तुम्हारी पिछले गेट से अंधेरी रात में टिपी टिपी बारिश होती थी हुए राजकोरी से तुम्हारा गोद में निकला राज बनारस में गया तुम्हारा भाई आया चौराहा पर तुमको गोद में लेकर बैठे थे जंगल में भटकते भटकते गया जंगल में गया तुम्हारा भाई आ रहा बोला माँ मुझे भूख लग रही है बेटा इस जंगल में मैं बबुआ उदल को छोड़ के कहां जाऊं कहीं टोला टपरी नहीं देख रहा आगे बढ़ाया जब आल्हा गया तालहन की बंगला पर वो तालहन कहा यारे बालक तू कौन है तुम्हारे पास और कोई है नूनी आल्हा बोला हाँ महाराज मेरे साथ में मेरी माँ है गोद में मेरी माँ के भाई जन्म लिया है कहा भैया अकबर को बुलाया बेटा अकबर अरे एक दोस्त का पत्नी आई है उसको जाके कपर कोट लगाकर चौराहा तक पर प्रारंभ का जल्द बुला के ले आओ अपने आश्रम में उसको भोजन नहीं होगा क्योंकि छतरी है मैं तालहन में मुसलमान हूं सिर्फ मां आप इस समय आज्ञा देगी मैं नव सोरी जाऊंगा मां सोरी तो नहीं जा सकती ठीक है मां आपके बिना आज्ञा लिए मैं सोरी नहीं जाऊंगा आप आज्ञा दीजिए मैं दोनों भाई दोस्त देवा के साथ जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूँ आप भोजन बना कर रखेगी मैं दोनों भाई जंगल से शिकार खेल कर आऊंगा हे खाना खाएगा उदल मैया चिंता सा हो खाना खाएगा उदल अपने मैया सा मैं तैयार हूं चलिए माँ की भुला कर सोहरी नहीं जाएंगे जुगती सो चलो उसको बात सोहरी चलेंगे सही बात सही बात तो मैं अपने दोस्त देवा के साथ जा रहा हूँ मैंने बेटा उधर को जंगल पठा दिए हैं क्योंकि बारह वीर का एक वीर झगड़ू है मेरे बेटा बारह बरस की उदल है पार कभी नहीं पाएगा इसलिए मैं भुलाकर उसको जंगल पठा दिए हैं
आ गए श्रीमान वरुण कुमार झा जी एक मैया निवासी यह देवला की रोड पे 105 रुपया से कदर की। हे माता दुर्गा, हे माता कालिका, हे बाबा विश्वकर्मा, हे बाबा भोले शंकर, कभी पैसे से वरुण कुमार जी को कभी नहीं जेवा खाली करता रखूंगी। जब मेरा बेटा जंगल से शिकार खेलकर आएगा